क्यों सिलेक्ट करे कोई भी एग्जामिनेशन को क्यों सिलेक्ट करे कोई भी uh, एक टारगेट को क्यों सिलेक्ट करे किसी एक पोस्ट को क्यों एस पीओ को हम बना ले अपनी मोहब्बत और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करके इसको अकम्पलिश करें क्यों वो क्यों का आंसर आज आपको मिलेगा और क्या होता है क्या करना है इसमें क्वालिफिकेशन सो so, सबसे पहला स्टेप जो हम सबका होना चाहिए वो ये होना चाहिए वंस यू हैव सेट द टारगेट यू शुड नो योर एग्जामिनेशन है ना सबसे पहले आपको अपना step, जो भी आपने टारगेट फिक्स किया है वो सबका अलग अलग हो सकता है कोई बात नहीं कोई एस बी बन चुका होता है तो उसको आरबीआई की तलाश होती है आरबीआई की तलाश तो खैर सबको ही होती है, है ना दिली तमन्ना तो वो सबकी होती है कि निकल ले भैया है ना तो आज जो हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा जरूरी वो हम बात करेंगे एस बी आई पी ओ का जो एग्जामिनेशन हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको कंसिडर करना जरूरी होता है क्या बोलती पब्लिक जल्दी जल्दी आती के नहीं आती बाबा ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग किसी एक आदमी प्यारे से लिटिल क्यूटी आदमी ने लिख दिया है गुड इवनिंग सर है ना मतलब इतना तो समझ में आ जाता है कि सर है बाबा है कि नहीं चलो कोई बात नहीं तो भी नहीं समझ में आता तो वहां लिखा भी हुआ कंप्लीट इन साइट बाय आंचल मैम वहीं से पढ़ लेते मैम कोई बात नहीं चलो आइए चलिए बात करते हैं है, हम all about SBI PO की तो जैसा हमने आपसे कहा ना सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि में करना क्या है तो आज हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिसकी पोजिशन जब आपके पास दो एग्जाम रखे हूं आईबीपीएसपीओ और एसबीआई तो आंख बंद करके आंख बंद करके सीधे सीधे चलते जाना एस बी आई पी ओ की तो मैं पहले देख लेना एसबीआई इस तरफ खड़ा है कि इस तरफ है ना जिस तरफ भी खड़ा होगा उस तरफ आंख बंद करके चले जाना क्यों क्योंकि आईबीस की और SBI PO की बहुत सारे पर्क्स और बहुत सारे आ, क्या कह सकते हो रोकड़ा में डिफरेंस होता है राइट सो थिंग अचीवर बैट कब से स्टार्ट होगा पच्चीस तारीख से आई मैम इन अचीवर्स बैच नॉट इंक्लूडेड वाई ये पाप किसने कह दिया तुमसे किसी से कहमत देना ये हमसे तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है हम कैसे हैं हम बहुत बेहतरीन हैं, बिल्कुल आपकी तरह ठीक चलिए तो आइए बात करते हैं जरा एक बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अवेटेड पोस्ट के बारे में दार एस बी आई पी ओ जिसके लिए हम लेकर आएंगे आपके अची, अचीवर्स बात जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है लेकिन उससे पहले समझ तो लो कि यह है क्या है ना है क्या चल ये देखते हैं सबसे पहले ऑल अबाउट एस बी आई पी ओ में आपको क्या देखना है नंबर वन हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या है भैया देने एग्जाम देने से पहले करना क्या है हमारे पास क्या होना चाहिए है ना वो भी तो जानना जरूरी है फिर परसेंटेज रिक्वायर्ड आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन इस एग्जामिनेशन को कितने फेजेस में दिया जाता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट अलाउड ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कैसे हम एस बी का जो एग्जामिनेशन देते हैं उसका अटैम्प्ट काउंट होते हैं या फिर किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है किस तरह से इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं कौन सा हमारे अटेम्प्ट्स है जो काउंट होंगे और कौन से अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते ठीक है प्लीज ऑल्सो डिस्कस द वर्क प्रेशर ऑफ एस बी आई पी ओ तो ठीक है ए भाई ऐसे नो फ्री में तो पैसा कोई नहीं दे रहा तुम्हें है ना फ्री में तो हमें भी नहीं मिल रहा पैसा है ना लेकिन मजा आना चाहिए काम में समझ रहे हो और जब जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करके इतने लोगों को पीछे फेंकते हुए ये आ, क्या बोलते हैं इतनी क्राउड को चीरते हुए जब तुम आगे आके एस बनोगे तो कैसा वर्क प्रेशर जब जब वर्क प्रेशर की बात आएगी ना तब तब सोच लेना ये वर्क प्रेशर ज्यादा है कि जितने जितने दिन पढ़ाई करी थी वो वर्क प्रेशर ज्यादा है ठीक है सोच लेना कि बगल में एक भैया रहते हैं घर के उनका पैकेज तुमसे ज्यादा है प्राइवेट जॉब में है लेकिन उनको कोई नहीं पूछता लेकिन तुमको सब पूछते हैं ऑफिसर है ये बैंक में ऑफिसर है ये पता है तुमको समझे तो ये सब चीजें आपकी जरूरत है आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा हम आएंगे एक दिन दो दिन चार दिन पंद्रह दिन मोटिवेट करेंगे आपको लेकिन जीवन भर थोड़ी हम रहने वाले हैं है ना आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में तो एक ये चीज आगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या पैटर्न होता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कितने कितने मार्क्स के आते हैं दैट एंड सैलरी रोकड़ा भाई साहब इस, इसके लिए तो मरे जा रहे हैं हम इसी के लिए तो सारी पढ़ाइयां हो रही हैं है कि नहीं इसीलिए तो सारी पढ़ाइया हो रही हैं चलो देखते हैं छठ महीना अगर आप एसबीआई की पढ़ाई करते हो तो आपका आईबीपीएसपीओ का एग्जामिनेशन वैसे भी निकल जाएगा ठीक है बट इज जस्ट दैट की जैसा गाइडेंस हो फिर वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी छह महीना आग बंद करके जो आपके टीचर ने बोल दिया आपको वो करना है ठीक है फिर ये नहीं कि बहानेबाजी कर ले नहीं आज हमारे कमर में दर्द हो रहा है कल हमारे लड़के की लड़के की शादी थी कल हमारे नहीं परसों हमारे मामा के भतीजे की शादी थी नहीं नो 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 फिर जब एक अगर टारगेट सेट कर लिया तो पहले वही कर लो जीवन में ठीक है वही कर लो या फिर सबकी रिश्तेदारी निभा लो है कि नहीं आइए तो सबसे पहली चीज जो आज हम देखेंगे सबसे पहला एस बी आई पी ओ में आपसे ये मतलब नहीं होता है कहने का कि यार कैसे सिलेक्ट करें क्या करें यह सब चीजें नहीं और एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसमें एडिटिंग करना भूल गया मैंने बस आइए हां तो जैसा हमने आपसे कहा कि यार यहां पर जो चीजें देखने वाली हैं सबसे पहला क्वालिफिकेशन का कि एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा क्वालिफिकेश मतलब हम कैसे हम अपने आप को समझ जाए कि नहीं हम पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते है ना सो दैट्स वन थिंग सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन में आपको कहीं से भी एनी 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 वेरिफाइड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ठीक है यू शुड बी अ ग्रेजुएट बस और कुछ नहीं ग्रेजुएट होना आपको जरूरी है दैट्स ऑल वो किसी भी फील्ड में हो सकते हो किसी भी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से हो सकते हो इट्स अप टू यू कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक सो ग्रेजुएट होना जरूरी है एनी वेरिफाइड यूनिवर्सिटी से और किसी भी फील्ड से अच्छी बात यह है कि सिर्फ कॉमर्स बैंक वाले सिर्फ कॉमर्स वालों को नहीं बुला रहे हैं सब आ जाओ ज्यादा से ज्यादा तो बी के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं है ना तो ये एनी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से और एनी फील्ड ये भी समझ लो किसी भी फील्ड बी कॉम करो एम कॉम बी कॉम करो एम कॉम करो बी ए करो मतलब बस ग्रेजुएट हो जाओ ठीक है दैट्स थिंग हम्म देर फॉर दैट इज द थिंग कि हम ग्रेजुएट लेवल का कुछ भी अब इससे मतलब नहीं है कि आपका बचपन कुछ पहले मिथ था ये कि सिक्सटी uh, परसेंट मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है ये लाना ही लाना है पहले था अब कुछ नहीं है आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स हो आपके फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स हो आपके सेवेंटी परसेंट मार्क्स हो आपके एट्टी परसेंट मार्क्स हो आप टॉपर ही क्यों ना हो है ना किसी कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखेंगी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी अपियरिंग फाइनल ईयर अपियरिंग जो स्टूडेंट है वो भी इस पेपर को दे सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल फाइनल ईयर का जो बच्चा है वो भी दे सकता है इन सब का कोई महत्व नहीं है सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है ठीक है सिलेक्शन आर्थम का यूज सिलेक्शन के बाद पजल्स अर्थमेटिक का यूज़ है सिलेक्शन के बाद अंग्रेजी का यूज है ये बताओ कौन से बैंक में तुम चले गए और दो स्टाफ को तुमने आपस में इंग्लिश में बात करते हुए सुन लिया गए तुम कभी हैं और बोल दिया सर सो दिस गाय हैज कम फॉर अ लोन एंड आई हैव वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन यर यू जस्ट नीड टू साइन दिस एंड हैव अ लुक एट दिस वंस सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वेदर दिस इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन और नॉट <laughs> देखियो कभी दो लोग कैसे बात करते हुए कोई नहीं करता भाई लेकिन हर एक चीज को जज करने का एक वे है लाइक like, इंग्लिश का क्यों महत्व है इंग्लिश का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में आपको केस स्टडीज दी जाती हैं है, है ना और वो ऑब्वियसली है आपको केस स्टडी दी जा रही है आप उसको पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आप कितनी अच्छे से ऑथर की बात को समझ के क्या आंसर करते हो ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है यही तो काम आपको पूरे जीवन बैंक में करना है किसी को लोन देना है नहीं देना है खाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं वहां जाओ देखो कुछ फिशी तो नहीं हो रहा है ये सब चीजें चेक करनी है है कि नहीं ये सब चीजें चेक करनी है, तो आपको जीवन में डिसीजन मेकिंग ही करनी है वहां पर लोन दे या ना दे इसका फिक्स डिपॉजिट खोले ना खोले है ये गाड़ी ले लेगा खरीद लेगा फिर भाग तो नहीं जाएगा इसका लोन ऐसा तो नहीं है बैड लोन में बदल जाएगा तो आपको डिसीजन मेकिंग आपको ये फाइल वाइल्स साइन करते समय बहुत ज्यादा ध्यान है इसीलिए इंग्लिश का सेक्शन आता है वरना इंग्लिश में ये कॉन्वर्जेशन करने एक दिन हमने ऐसे ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे बहुत साल पहले तो हमने पूछा बताओ इंग्लिश क्यों आती है क्लास में तो बच्चा वाले जोर से बोला मैं मेल पढ़ने के लिए हमने कर <laughs> एक मिनट <laughs> मेल पढ़ने के लिए आती है और मेल पर रिप्लाई करना गुड थॉट ब्रो लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक महत्व है और क्यों वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में दैट्स अनदर थिंग ठीक है सो डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी थिंग ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर अगली चीज पर क्वालिफिकेशन में बता दिया है ग्रेजुएट होना जरूरी है एनी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है उसके बाद आते हैं हम परसेंटेज रिक्वायर्ड अभी हमने बोला ना आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड कुछ लोग कह देते हैं देखो परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात यह होती है कि कोई आपसे कह दे तो ये नो परसेंटेज क्राइटेरिया है नो परसेंटेज क्राइटेरिया है कि कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि पचपन तुम्हारा पचास आया है तो तुम कैसे पास हो गए किसी का साठ आया तो वो कैसे हो गया किसी का सत्तर आया तो वो कैसे हो गया कोई परसेंटेज नहीं है इट इज जस्ट दैट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग हो ठीक है फाइनल ईयर अप्योरिंग हो तो आप इसको कर सकते हैं कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि भाई कितने मार्क्स कितने क्या क्या लाने हैं टे no हाँ एक चीज और है अगर कभी ऐसा होता है तो फिर वो आपको नोटिफिकेशन में लिख के दे सकते हैं जैसे आरबीआई के एग्जामिनेशन में आरबीआई के एसबीआई में तो नहीं होता लेकिन आरबीआई के कुछ पोस्ट में ये आपको आ, एक परसेंटेज लिख कर दे दे कि आपकी ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आने जरूरी है तो वो सिर्फ आरबीआई के एग्जाम में एस बी आई में आईबीपीएस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ठीक है ओके सो दैट्स थिंग आगे बढ़ते हैं पर, तो हम थर्ड कंडीशन पर जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है फेजेज ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी पीओ लेवल का एग्जामिनेशन अगर देखें तो तीन जगह आपको लेकर जाएगा ही जाएगा वो तीन जगह कौन कौन सी है हमारी पहला फेज वन ठीक है अरे कहाँ गए बाबा कहाँ गए बाबा हाँ तो सबसे पहला हमारा क्या है फेज वन ठीक फेज वन फिर आता है हमारा फेज टू और फिर आता है हमारा फेज थ्री ठीक है आज इस बोर्ड को देख मतलब बोर्ड पे लिख के ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने कॉम्प्लेन क्यों नहीं खिलाया बचपन में है ना ज्यादा हाथ बढ़ाना पड़ रहा है कोई बात नहीं इस दुख के साथ भी जी लेंगे आओ फेज सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है आपका प्रिलियम्स का ठीक है सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है आपका प्रिलियम्स का प्रिलियम्स का एग्जामिनेशन में <coughs> आपको सीधे साफ बात समझ लो कि ये एग्जामिनेशन आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं करता ये एग्जामिनेशन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करता है और प्रिलियम्स का एग्जामिनेशन हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में ही आता है कभी डिफिकल्ट तो नहीं आएगा ये पेपर ठीक है प्रिलियम्स का एग्जामिनेशन जो होता है आपका प्रिलियम्स का एग्जामिनेशन जो होता है स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए आता है और इसका एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है वो आपने आगे देखा भी है ठीक है उसके बाद फेज़ टू को अगर देखें तो फेज़ टू में आता है हमारा मेंस का एग्जामिनेशन मेंस का एग्जामिनेशन एग्जैक्टली exactly हमारी किस चीज़ को टेस्ट करता है हमारी नॉलेज को टेस्ट करता है यहाँ पर हमें लेंदी लेंदी क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर आपका पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का बनाया जाता है यहां पर आपके क्वेश्चन भी जो होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं ताकि आपका समझ पाए कि क्या क्या है जो करना ज़रूरी है ठीक है क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है समझे दैट इज हाउ वी हैव टू डू इट ठीक है अब मेंस के पेपर के पेपर बाद ही आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती आती है है इसी फेज में एग्जामिनेशन के जस्ट बाद आपको मिलती है एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का आता है कितनी देर का दिया जाता है कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एज क्वालिटी क्वालिफिकेशन भी बता रहे हैं आपके क्वेश्चन पे आ जाएंगे डोंट वरी ठीक है हाँ तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि uh, जब एग्जामिनेशन देखा जाता है या समझा जाता है तो इसमें क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है है ना तो यस yes. तो बेसिकली बात क्या होती है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसी में आएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको थर्टी मिनट्स में पचास मार्क्स का दिया जाता है जिसमें से आपको पचास मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन मिलते हैं अब इसको पैटर्न में भी डिस्कस करेंगे इन दो क्वेश्चन में से एक आपकी ऐसे राइटिंग हो जाती है और एक आपकी लेटर राइटिंग हो जाती है ठीक है तो ये मेन्स का पेपर जैसे सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आ जाता है ठीक है ट्वेंटी वन टू थर्टी इज द एज लिमिट अभी आ जाते हैं उसके बारे में डोंट वरी ठीक है उसके बारे में, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं सो बेसिकली ये हमारा क्राइटेरिया है फेज थ्री का अब फेज uh, टू का फेज थ्री पे अगर हम आए तो फेज थ्री में एक ऐसी चीज होती है जो एस बी आई पी ओ में ही है दैट इज जी डी एस बी आई पी ओ में ही है हमारा क्या ग्रुप डिस्कशन ठीक है यहां अगर आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो हो सकता है अगर आपके रिटर्न में मार्क्स थोड़े कम भी आए ना तो भी आपको पास कर दिया जाए जीडीपीआई मतलब ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू तो आईबीपीएस में भी होता है लेकिन जी डी जो है वो स्पेसिफिकली आपके एसबीआई पी ओ के एग्जामिनेशन में होती है इन दोनों को जज करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटर्न का एग्जामिनेशन आई हैव सीन अ स्टूडेंट लाइक दैट किसी किसी का रिटर्न का एग्जामिनेशन अगर नहीं भी क्लियर मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए होते हैं लेकिन वो यहाँ कॉन्फिडेंस दिखा देता है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है आई हैव अ स्टूडेंट उसके मार्क्स बहुत अच्छे भी आए थे आ, लेकिन उसको इंटरव्यू में पंद्रह सवाल पूछा गया जिसमें बारह के उसको आंसर नहीं पता थे लेकिन स्टिल शी इज एन एस बी ऑफिसर हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन आई थिंक 2018 में हुआ था है ना तो 2018 में हुआ था उनके रिटर्न में मार्क्स कम आए थे लेकिन वो ग्रुप डिस्कशन में गए तो उनको जो टॉपिक मिला था उन्होंने वो बहुत अच्छे से किया फिर बाहर निकलते वक्त जो पैनल मेंबर्स थे उनसे भी उन्होंने ग्रीट करके बाय ऐसा बा, ऐसा करके मतलब एंड भी बहुत अच्छे से किया और पर्सनल इंटरव्यू भी उनका बहुत अच्छे से गया तो बेसिकली सारी चीज़ें उनके हिसाब से चल रही थी रिटर्न में लेकिन मार्क्स फेज टू में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे बट स्टिल एस बी आई पीओ ऑफिसर बन गए समझ रहे हो या नहीं विच एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बोलो ठीक है एप्लीकेशन पर भी दो सारा ओके अच्छा आते हैं उस ठीक है सो ये तीन फेज है जिसमें आपको एग्जामिनेशन होगा तीनों फेज हैं लेकिन मार्क्स सिर्फ आपको सौ में से ही मिलते हैं सौ में से कैसे मिलते हैं एक आपका फेज टू का मार्क्स जुड़ता है ठीक है फेज़ वन का मार्क्स नहीं जुड़ते वहां पर वही बोला स्पीड और एक्यूरेसी चेक हो रही है आपकी कितनी जल्दी कितनी तेज कितने सही आंसर दे सकते हो फेज टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और फेज थ्री के मार्क्स जुड़ते हैं जितने भी मार्क्स होते हैं उसको वन थर्ड कर दिया जाता है और वो सौ नंबर से फिर आपकी एक कट ऑफ निकाली जाती है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है तो क्वालिफाई करने वाला जो मार्क्स होता है उसमें आपको फेज टू और फेज थ्री के मार्क्स ऐड होंगे फेज़ वन के मार्क्स ऐड नहीं होते वो आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है ताकि आप मेन्स का एग्जामिनेशन दे सको ठीक है सो बेसिकली ये हमें समझ में आ गया है कि फेजेज ऑफ एग्जामिनेशन में तीन फेज है हमें तैयारी कहां तक की करनी है हमें सिर्फ वहां तक की तैयारी नहीं करनी है हमें तैयारी यहां तक की करनी है तो इंटरव्यू तक की सिलेक्शन की तैयारी की जब बात करते हो तो ये सब इंक्लूड होता है उसमें ठीक है जीडी में होता है क्या मैम जीडी में क्या होता है मैं बताऊं आपको बहुत सारे मतलब कम से कम दस लोगों को एक साथ बैठाया जाता है स्टूडेंट्स को और एक टॉपिक आपको दिया जाता है मे बी वुमन एम्पावरमेंट की बात कर लें इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इन इंडिया की बात कर लें अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कोई एक बात बोल रहा है तो आप उसकी बात को काट कर अपनी बात उसमें एड ऑन कर सकते हो मतलब कि आप उसकी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर सकते हो एक ग्रुप में आपको बैठाया जाएगा वहां पैनल भी रहेगा जो आपको जज कर रहा होगा ऑल थ्रू आउट जब आप इस चीज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में रख रहे होंगे तो जो भी कहना वो बहुत सोच समझ के कहना होता है क्यों क्योंकि उसका अगर कॉन्ट्रोडिक किया तो कॉन्ट्रोडिक्शन का भी आपके पास आंसर होना चाहिए ठीक है सुदान सदी हाँ, वो कोई मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में देना है सिर्फ हिंदी में देना है नहीं आप दोनों लैंग्वेजेस में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप ये आ, कर सकते हैं ठीक है दैट्स अ थिंग सो यहां पर हमें फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो गए अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेंट्स के हम कहते हैं दो चीजें हैं कि प्रिलियम्स आपने दिया है ना प्रिलियम्स आपने दिया आप फेल हो गए ठीक है आप नहीं कोई एक्स वाई जी पर्सन फेल हो गया नो अटेम्प्ट काउंटेड नो अटैप काउंटेड अब ये आप चाहे चार बार दें पांच बार दें अठारह बार दें भगवान ना करे किसी को इतनी बार देना पड़े लेकिन कितनी बार भी आप प्री एग्जाम दे रहे हो आप फेल हो रहे हो नहीं हो रहा तो फिर ये नहीं काउंट किया जा रहा लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और आप पास हो गए पास होने के बाद आपने मेन्स का एग्जाम दिया अब चाहे आप मेन्स में पास हुए चाहे मेन्स में फेल हुए इससे मतलब नहीं है यह आपका पहला अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा अगर आपने मेंस का एग्जामिनेशन दे दिया तो ठीक है फिर आप आए फिर से आपने प्री दिया पास हो गए दोबारा हुआ पास हो गए तब तो चलो सिलेक्शन हो ही गया फिर तो अटेम्प्ट का क्या ही बात लेकिन अगर मेंस का एग्जामिनेशन आप देते हैं मेंस के अटेम्प्ट काउंट होते हैं प्री के अटेम्प्ट काउंट नहीं होते ठीक है यह सबसे ज्यादा जरूरी है फिर तो मराठी सबसे बेस्ट इतना नहीं इंग्लिश हिंदी हमारी लैंग्वेज है वहां पे समझे पता चले ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं हम तेलुगु यूज कर रहे हैं हमारा पैनल बैठा उसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही कर लोगे फिर है ना वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स अ थिंग जो हमको यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है नंबर ऑफ अटैम्प्ट सिर्फ तब काउंट होंगे जब आप मेन्स का एग्जामिनेशन दोगे प्री के एग्जामिनेशन के लिए आपके नंबर ऑफ अटैम्प काउंट नहीं होने वाले ठीक है आगे बढ़े हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का जब हम प्री की बात करते हैं अगेन दो पार्ट uh, में डिवाइडेड है अगर हम प्रिलियम्स की बात करें है ना तो प्रिलियम्स में कितने नंबर का पेपर आता है जल्दी से कोई बताएगा मुझको प्रिलियम्स ah, में हमारे पास वेरी एनर्जेटिक इवनिंग थैंक यू सो मच आई विश द सेम फॉर यू आई विश द सेम फॉर यू फॉर द होल लाइफ जिसमें भी आप जहां भी आपकी जिंदगी आपको लेके जाए पूरी जिंदगी बहुत एनर्जेटिक रहे हाँ जी तो यहाँ हाँ सो यहां पर आपकी प्रिलियम्स का जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हंड्रेड क्वेश्चन इसमें सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स आपको पूछे जा रहे हैं एक इंग्लिश मैं सबसे पहले इंग्लिश लिखूंगा क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का फैकल्टी हूं है ना फिर उसके बाद आपका क्वांट्स और आपकी रीजनिंग ठीक है कितने कितने मार्क्स के आते हैं भैया है, कोई बताएगा क्या कोई ऐसा मतलब बालक जो मेरी थोड़ी सी मदद करना चाहे तो कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है है ना मैम कितना अटैम्प्ट कितना होता है ओ ये तो मैं बताई दी बताई भूल गई है ना तो मेंस के अटैम्प्ट होते हैं वन काउंट हो जाएगा लेकिन आपको सिर्फ चार अटैम्प्ट अलाउड है चार अटैम्प अलाउड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो भूल जाते बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना सिर्फ चार अटैम्प्ट अलाउड है और आपके अटैम्प तब काउंट होंगे जब आप मेन्स का पेपर देते हो प्रीलियम्स वाला अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा ठीक है दैट्स वन थिंग चार अटैम्प्ट अलाउड है तो चार बार अगर आपने मेन्स का पेपर दे दिया फिर आप उसको रजिस्टर ना करें कोई मतलब नहीं है उसका ठीक हाँ जी तो इंग्लिश क्वांस और रीजनिंग की बात कर रहे थे इंग्लिश के आपके थर्टी क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के आपके थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के भी आपके थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं ठीक है इस तरह का एग्जाम क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है भाई ओके <coughs> okay. हा तो ये क्लियर हुआ फिर उसके बाद आया आपका आ, मेंस का, का एग्जामिनेशन है ना मेंस के एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछा जाता है आ, यहां पर बेटा देखो सब्जेक्ट बढ़ जाएगा इंग्लिश भी आएगा रीजनिंग भी आएगा और क्वांट्स uh, भी आएगा और एक बहुत जरूरी चीज जिसको दुनिया इग्नोर कर देती है लेकिन लास्ट में यही तुमको रुला देता है दैट इज जीए ठीक है That is GA, जो बहुत बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ मेंस में ही आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती है जिसमें आपको दो क्वेश्चन अटैम्प करने होते हैं एक ऐसे राइटिंग इसके ऑप्शन मिलते हैं ठीक है दो से तीन ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से एक सिलेक्ट करके लिखना है वैसे ही लेटर राइटिंग के लिए भी दो से तीन ऑप्शंस मिलेंगे आपको एक सिलेक्ट करके लिखना है ठीक है तो एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग थर्टी मिनट्स का पेपर होता है ये थर्टी मिनट्स का पेपर होता है जिसमें से आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पचास मार्क्स का पूरा पेपर होगा ट्वेंटी फाइव इसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पांच चीजें हैं एक आपका नॉलेज दूसरा आपकी स्पेलिंग तीसरी आपकी ग्रामर चौथी आपकी टाइपिंग स्पीड और पांचवा आपका फॉर्मैट ये गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ये पांच चीजों में से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है भाई सो so, क्या uh, yeah. सो दैट्स हाउ वी डू इट और फिर उसके बाद तो जी आई होता है तो उसमें तो आपका डिपेंड करता है कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ठीक है हाँ एस पीओ में एक बता दू मैं टाइम ड्यूरेशन होता है सभी को आपको 20-20 मिनट -20 में सॉल्व करना है 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे और 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे रैंडम किसी भी ऑर्डर में ये आ सकता है कोई भी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 20 मिनट उस एक सब्जेक्ट पे फिर अटका ही रहेगा आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस चेंज कर सकते हो बट सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा ठीक है दैट इज वन थिंग ओके ब्रो और बात करें इसकी तो रीजनिंग इंग्लिश क्वान जी ए में जब हम देखते हैं अच्छा रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है ना इसमें वो भी लगा सकते हो रीजनिंग के साथ मेंस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है अब ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं इसको जल्दी से देख लेते हैं इंग्लिश मेंस के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा थर्टी फाइव क्वेश्चन विल बी देर फोर्टी मार्क्स के ठीक है थर्टी फाइव क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स थर्टी फाइव क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स रीजनिंग आपको मिलेगा फोर्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स फोर्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स के ठीक है क्वांट्स का आपको थर्टी क्वेश्चन बी फिफ्टी मार्क्स और जीए के तो चालीस क्वेश्चन

ठीक है मैम एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है क्या मे बी इंटरव्यू में इश्यू होता होगा नहीं सोल ब्लेड मैंने अभी बताया आपको ऐसा देखो एस का ये क्राइटेरिया है कि हो सकता है आपके ये रिटर्न के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए हो लेकिन हाँ हा, हो सकता है आपका रिटर्न के एग्जामिनेशन में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं हो लेकिन अगर आपने जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने बहुत कॉन्फिडेंस से आ, अपने आप को पोर्ट्रे किया है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो एस पी ऐसा करता है कि ये क्वालिटी वो देखते हैं वो चेक करते हैं ठीक है मेन्स के अटैम्प्ट की नोटिफिकेशन हाँ लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया मेन्स के अटैम्प की सर चार लिमिटेशन होती है चार ही अटैम्प आप कर सकते हो ठीक है हाँ जी ट्वेंटी मिनट्स में अपने आप चेंज हो जाएगा ट्वेंटी मिनट्स ही मिलेंगे आपको एक सब्जेक्ट के लिए फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्क कर देते हैं बाद में रीचेक करने के लिए तो रिव्यू के लिए अगर मार्क कर दोगे तो वो अटैम्प काउंट नहीं होगा इसलिए सबमिट करना जरूरी होता है ठीक है दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग आगे बढ़ते हैं ओह हो, हो रोकड़ा माई बाप रोकड़ा तो रोकड़ा बेसिकली अगर देखिए तो बेसिक सैलरी जो आपकी है बेसिक बेसिक सैलरी फोर्टी के अराउंड होती है ठीक है फोर्टी वन थाउजेंड के अराउंड होती है फोर्टी वन के अराउंड होती है बेसिक सैलरी ठीक है किसी के लिए भी कोई भी आदमी जा रहा है मतलब कोई बन रहा है तो वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली फोर्टी वन के बेसिक लेकिन लेकिन इसमें बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस ऐड होते हैं ठीक है बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस ऐड होते हैं और फिर ये सैलरी आपकी बढ़कर अगर आप मेट्रो लेको नॉर्मल सिटी में हो टू टायर सिटी में फर्स्ट ऐसा सिटी में हो तो फिर आपका नॉर्मल सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में यह लाई करेगा ठीक है और अगर आप एक्स्ट्रॉर् मेट्रो सिटी में है, जैसे आप दिल्ली में है बैंगलोर में है ऐसी जगह पर है मुंबई में है तो फिर ये वन लाख तक भी जाती है ये मेजर अट्रैक्शन होता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का डिफरेंस कि आईबीपीएस पीओ की सैलरी जो है वो सत्तर हजार तक चली जाती है सारे पर्सनल अलाउंसेज मिला के लेकिन इनकी सैलरी सत्तर से भी एक लाख तक जाती है एंड अलाउंसेज मिला के ठीक है तुम्हारा न्यूज़पेपर का बिल वो भी ये पे करेंगे तुम्हारे पेट्रोल का बिल वो भी यही पे करेंगे तुम्हारे आने जाने का खर्चा वो भी यही पे करेंगे दुनिया भर के इनके हॉलीडे होम्स होते हैं वहां पर जाओगे घूमने घामने वो भी ये कम पैसे में तुमको बुक करके दे देंगे तो समझ रहे हो समझ रहे हो पैसा ही पैसा बाबू भाई पैसा ही पैसा ठीक है ठीक है सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिए बिकॉज सैलरी इज द मेजर थिंग को हर आदमी को अट्रैक्ट करती है इन एनी केस है ना, और बहुत जरूरी होता है हर इंसान के लिए मेरे हिसाब से कि हम अल्टीमेटली काम क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सैलरी के लिए ना है ना एक ईयर में एक बार होता है नितिन एक साल में एक बार एस PO का और एक बार आई यूपीएसपीओ हो का होता है तो मतलब एग्जामिनेशन बहुत सारे हो रहे हैं एल आई सी डब्ल्यू हो रहा है एल आई सी ए डी ओ हो रहा है आपका आई बी पी एस पी हो रहा है आई बी पी एस क्लर्क हो रहा है आर आर बी पी ओ आर आर बी क्लर्क हो रहा है एस बी आई पी ओ एस बी आई क्लर्क हो रहा है आर बी आई के एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन बहुत सारे हैं हमारे पास बहुत सारे हैं अगर आप एस की पढ़ाई कर लेते हो जो कि हम आपको बता दें आप कहां से करोगे एक हमारा अचीवर्स बैच है जो ऑलरेडी लॉग आप कर चुके होंगे नहीं किया है अभी तक तो आप अभी भी कर सकते हो अचीवर्स एस बी ये बैच हमारा PW ऐप पर पी डब्ल्यू पर अवेलेबल है अगर अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए बैच 25 मार्च से शुरू होगा ट्वेंटी मार्च से शुरू होगा तो आपके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं यह बैच जिसने कर लिया ना उसको कोई भी एग्जामिनेशन के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ रिविजन प्रैक्टिस एग्जामिनेशन ये करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसमें सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जा रही है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जा रही है एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश हम रीजनिंग की भी बात कर रहे हैं हम uh, uh, क्या बोलते हैं उसको क्वांट्स की भी बात करें हम जीए की भी बात करें हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जा रही है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी इस चीज को ध्यान रखें और आप भी इस चीज का uh, को फॉलो करते रहे राइट गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड हाँ दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है क्यों आपको चाहिए यू शुड बिकम एन एस बी आई पीओ है ना और हम तो भाई हमेशा बोलते हैं मतलब बेसिकली एक ऐसी जॉब है जो आ, आ, आई पीज़ पीज़ बी पी में भी बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो भी कोशिश करते हैं कि एस बी आई वाली जॉब निकल जाए है ना तो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ठीक है चलो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच हाँ चलो बाय टेक केयर डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में अभी अगर बात करें तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद आता है तो अभी अगर हम शुरू करते हैं पढ़ाई करना तो हमारा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एक सवा महीने बाद एग्जामिनेशन होता है प्रिलियम्स का उसके एक महीने बाद होता है मेंस का एग्जामिनेशन ठीक है तो हमको एटलीस्ट इतना इतना समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का तो अभी हमारे पास दो ढाई महीने हैं है ना दो ढाई महीने हैं आराम से तो हम अभी से कोशिश कर सकते हैं पढ़ने की अभी से कोशिश करोगे तो तब तक हमारा मेजर पोर्शन बेसिक का जो है वो क्लियर हो जाएगा और हम वहां पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस तो आपका बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है लेकिन अभी से शुरू करोगे तब ठीक है चलो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच बाय टेक केयर अलविदा मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट सेशन में